एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम जाएंगे तक्षु की कटिंग करवाने, क्योंकि तीन चार दिन से तक्षु की कटिंग ना पेंडिंग चल रही है आजकल। तो फाइनली आज हम जाएंगे, क्योंकि उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कटिंग करवा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को सामान लेने जाना है, तो हम जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। टक्कू कहाँ बैठेगा, साइकिल पे? टक्कू साइकिल पे बैठ के बाल कटवाने जाएगा। अले अले अले, चोट तो लग गई। ओ क्या हुआ? टक्कू को साइकिल चलाना, लेकिन ऐसे घुमा के पैंडल को। टक्कू आ जाओ, चले करण। टक्कू को यहीं रख ले, चल ठीक है। टक्कू बाय। अच्छा नहीं नहीं नहीं, साइकिल पे बैठना तभी जाएगा। बैठो, किसके साथ जाना है? पापा से जाना है। पापा तो आए नहीं, खड़े। पापा नहीं आ रहे ना, हम कब से वेट करी जा रहे हैं नीचे खड़े होके। दीदी भी उठ जाएगी निन्नी से, फिर रोई रोई करेगी। वो खोलूं? क्या खोलूं? क्या हुआ? कहाँ जाना? नाना पास नहीं जाते? रो रो थोड़ी जाते हैं नाना पास। पापा सही कहते हैं, मेरे थोड़े टाइम बाद बड़ा होगा, खुद ही अकेले ही भाग गया करेगा ये। फंस गया तू ना यहाँ पे, सच्चे फंस गया है। यहाँ से जाएगा तू बाहर, यहाँ से बाहर जाना है तक्कू। आ जाओ, गंदे हो जाओगे नीचे, देखो पेंट गिरा हुआ है। जाओ पापा को बुला के लाओ ऑफिस में से, जाओ जाओ बुला के लाओ। कह दो जोर से, बुलाओ जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। नहीं आ रहे? कब से हम खड़े होकर पतिदेव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें कितना लेट हो रहा है। करण क्यों खड़ा है? करण भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं मुझे लगा शायद इसीलिए तू भी वेट कर रहा है। बोधी कर ले, फिर जल्दी बड़े होते हैं तो रॉकस्टार बन जा, पीछे बोधी कर ले। आपके थोड़ी बना रहे चीजी खाने, चीजी खाएंगे अभी चीजी। टक्कू इधर तो स्पीड ही पकड़ ली। स्टॉप टक्स। टक्कू कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग करने? क्या ले रहे हो? कहाँ कहाँ? इधर आओ इधर। अच्छा इधर से लेंगे, इधर आओ। अब भी हम टक्कू की कटिंग करवा के फिर गए। हाँ जी, टक्कू की कटिंग करवा के हम गए थे मॉल, थोड़ा सा सामान लेना था मुझे स्किन केयर वगैरह का और ये का भी। एंड उसके बाद अभी हम आए हैं चाँप रोल, चाँप एंड गुलगप्पे खाने। टक्कू क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? हम तो चाँप खाने आए थे, टक्कू ने गोलगप्पा याद दिला दिया। क्या टप्पा ले लो, दो भर के देना। खड़े खड़े खा लोगे? बैठो। कैसी है? हमारा टक्कू बहुत शोर करता है। नहीं देना, नहीं देना, नहीं। टक्कू बाल कटवा के जिन्हें हैंडसम लगने लग गया ना, कटो। एंड ये हमारा सूखा गोलगप्पा, ये ना भरा हुआ है ना।
सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और जब हम रास्ते में थे ना तभी बारिश हल्के हल्के स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं घर पहुंची तो बहुत तेज बारिश हो गई थी, और आज हम ना गाड़ी की बजाय एक्टिवा से गए थे और हम टाइमली घर पहुंच गए, अदरवाइज हम पूरे गीले हो जाते और हमारे साथ तक्कू भी था। तो अभी वंशिका उठ गई है और ऊपर होगी वो, तो मैं उसको लेकर आती हूँ, उसके बाद देखते हैं हमको क्या करना है। गाइज वंशु हमारा सो के उठ गया था पीछे से, है ना वंशु? और देखो इसको तो जल्दी मची थी, कब खोल के खाऊं। तक्कू की ना छमाटी लग रहा है ना वंशु बाल कटवा के, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा चीजी लाई, अच्छा लगा आपको? हाँ पाया, मुझे बताए क्यों नहीं? क्योंकि आप छो रहे थे। मुझे क्या के हम बाल कटवाते जा रहे तुम भी चलो। वैसे ही बाल कटवाने क्या जाना था आपको लेके, बताओ। मम्मा मुझे देखना था तक्कू के कैसे। तक्कू तो रो रहा था बहुत है। हाँ, मैं तो रोई भी नहीं, मैंने आपको ढूंढा और मैं तो रोई भी नहीं। अच्छा चक चक चक। मम्मा वंशु को ये ड्रेस इतनी पसंद आ रही है कि उतार नहीं रही, अब तो चेंज कर लो। सुबह भी इसको कहा मैंने चेंज कर ले, नहा के फिर यही कपड़े पहन लिए मैडम ने। सो गाइज अभी हम करेंगे चेंज एंड उसके बाद हमें बनाना है डिनर, तो जल्दी जल्दी से मैं चेंज करती हूँ फिर बनाते हैं डिनर। ठीक है पास्ता बनाते हैं। ओके तब पहले मैं चेंज कर लूँ फिर बनाते हैं पास्ता। ओके सो गाइज अभी मैंने कर लिया है चेंज। मैंने चेंज किया तो मुझे देखकर मेरे खुद्दू ने भी अब कंफर्ट कपड़े पहन लिया, अदरवाइज ये अपनी स्कर्ट उतार ही नहीं रहा था। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, बनाएंगे डिनर और बच्चों के लिए बनाना है मुझे पास्ता, तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं यम्मी यम्मी सब पास्ता। गाइज अभी मेरी मम्मा ना शॉपिंग करके आई है और मैंने उनको कहा था कि पास्ता बना रहे हो, अभी पास्ता बना रही है। ठीक है चलो मैं अपनी मम्मा से आपको मिलवाती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा टेस्टी सा पास्ता बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू वेट कर रहे हैं पास्ता खाने का। पास्ता बन गया। ओके तक्कू भी खाएगा चीची? हैं तक्कू क्या खाएगा? गाइस देखो ये मेरा तक्कू कितना स्मार्ट लग रहा है। क्यों स्मार्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि इसने सो गाइस अभी मैं खिलाने जा रही हूँ दोनों बच्चों को पास्ता और साथ में खुद भी खाऊंगी। तो ये ब्लॉग कहते हैं यहीं पर एंड, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और पीछे की ये मेरे बच्चों की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय 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 बाय।